मख्फी है अभी दिरहम और दिनार हमारे, नाकाम हुए मिफ्ता और डार हमारे, डॉलर गिरा रहे थे कि आटा भी उड़ गया, कर कुछ नहीं पाए तजर्बाकार हमारे, करंसी है गिरती जा रही, फिर भी आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या हुआ, ये आपने क्या किया हुआ अपने साथ? सर मुछा रख लिया अकरम भाई ने, मैं मुछा कदों रखिया, कहते यार मैं शीशे दो तीन बार देखिया, मैं मुंह नहीं गोडा लगता सी। माशाल्लाह इंग्लैंड से वापस आए हैं सर। अच्छा जी, आपने वेलकम कहा ही नहीं। वेलकम जी, वेलकम। वहां पर 5-5 pounds बच्चों को दे के कह रहे थे मुझे अनिल कपूर कहो। अकरम साहब आपके वाकई इंग्लैंड गए हुए थे जी? अच्छा, इसलिए वहां पे इतनी ठंड पड़ रही है। लेकिन बड़े अकरम भाई ने मुछा रख के भी पछता रहे, परेशान बैठे मुछा रख के। मैं क्या की हुआ? कहते यार राती मेरी मुछा च भी जुआ पै गई। एयर होस्टेस ने बड़ा सर शर्मसार किया। क्यों? क्यों? वो जब खाना देने आई तो उसको देखा, कहने कि इस मुंह ते मुछा। मुछा रख के घर गए ने ते बच्चे इन्हां नूं वेख के कहिंदे अबू फिर रक्षा चलाना शुरू करता। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर जनाब चौधरी मुनीबुल हक। साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान खास तौर पर कराची तशरीफ लाई हैं, एक्ट्रेस अरसला सदीकी। वेलकम टू द शो जी। आज तो माशाल्लाह दोनों ही मेहमान मॉडल ही लग रहे हैं सर। माशाल्लाह, सियासतदानी मान से आप नहीं लग रहे, बस इतना सॉफ्ट फेस है। कितने प्यारे लग रहे हैं आप लोग, सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा नहीं है, अभी आप नई नई आई हैं तो लाइटें आंखों में पड़ रही हैं। आज सारा प्रोग्राम झूठ तो शुरू हो गया। शेर सुनाइए कोई यार। मुनीबुल हक उकाड़ा से PMLN के MPA। वाह। और इनके पहलू में जो अरसला सिद्दीकी बैठी हैं, नगीना है ये शोबिज की। सियासत और अदाकारी ये दोनों एक ही फन है, सियासत भी है शोबिज भी। अरे वाह, क्या बात, तके निरे थके नहीं ने। हाय हाय हाय, जज्बे हाली थके नहीं ने। हाय हाय, ओही चार कु हाकम ने बस। हाय, ओही चार कु हाकम ने बस, यानी लोग अके नहीं ने। मैंने चीजें रखनी है मुझे मेज दें। मैंने कुछ लिखना है मुझे पेज दें। मेरे दिल में अक्सर दर्द रहती है चोई साहब, मुझे यूके मियां साहब के पास भेज दें। आपके इनको बिल्कुल भेजते हैं जी। उन्होंने बुलाया सी, आप नहीं सी गए, मैं गवाह हूं इस गल। तू ऐसे कटिंग ना चला गया। पर सुनते सुनते अरसा हो गया है, मियां साहब आएंगे कब? इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली होने वाली है। वो मेरे बच्चे ने उन तेनु क्या करना, पापा मियां साहब आए कि नहीं आए? मगर वैसे आपका चक्कर लगा इंग्लैंड? मैं लास्ट वीक मिलके आया हूँ। लास्ट वीक ही आप मिलकर? अच्छा, आप तो अभी ताजा ताजा तंदूर से निकले। लास्ट वीक ही इतनी ठंड के अंदर आप मियां साहब को मिल लिए? जी बिल्कुल। ओए होए, तो कैसे लगा फिर आपको? बहुत अच्छा लगा, लीडर से मिलकर बहुत खुशी हुई। मियां साहब के हौसले बड़े बुलंद है और इंशाल्लाह तैयारी है जल्द। उनको पैगाम वगैरह दिया मियां साहब ने आपको? मियां साहब ने बस कहा है कि इंशाल्लाह तैयारी करें, आ रहे हैं। अच्छा बिल्कुल, ये तो देखें फ्रेश फ्रॉम द फाउंटेन जिसे कहते हैं, वो वाला व्यू है आपको बिल्कुल मिला अभी? बिल्कुल बिल्कुल। मियां साहब ने हाथ नहीं मिलाया, ठंड ही बड़ी सी। मियां नवाज शरीफ नूं मिल के आ रहे हैं, जिन्हां दी वजादारी पूरे पाकिस्तान विच मशहूर है, इमरान खान नूं नहीं। तो बहुत गलत बात है। अच्छा, ऐसा कौन करता है? मतलब ऐसा कौन करता है? इमरान खान को आपने ऐसे बोल दिया, मतलब आई लव यू इमरान खान। आए। आए।
दूसरी पार्टी यानी कि आप तो लगता है इमरान खान साहब की सपोर्टर निकल आई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। मतलब मैं चाहती हूँ, पूरे दिल से चाहती हूँ, वो एक बड़े अच्छे इंसान है। हाँ। और ये हम सब जानते हैं, बट बस पता नहीं क्या हो रहा है। और आपने कहा जब आई लव यू इमरान खान। हाँ, तो आई लव हिम, आई लव हिम, मुझे बेइंतहा पसंद है वो। मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ उस इंसान की। इन तक अभी शौर की जो है ना वो मंजिलें दूर हैं, शौर की मंजिलें तय कर लेगी। तो ये आई लव यू इमरान खान नहीं, नवाज शरीफ कह रही होंगी। अच्छा, नहीं मैं उपास देखे कह रही है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अभी ना उनका लव चेंज करें, अभी वक्त लगेगा, इन्हें अभी चीजें। मगर अभी जो वक्त है हमें तो उस पर रहना है ना। तो आप ये बताएं कि आप खान साहब की सपोर्टर, आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? बहुत गलत हो रहा है ये। अभी मैं पिछले शो में बहुत सारी बातें करके आई थी इन्हीं चीजों के लिए, मतलब लेकिन इतना मुझे उस पर ट्रॉल किया सबने और इतना ज्यादा घसीटा गया सोशल मीडिया पे कि आपने क्यों बोला, आपने ऐसा बोल दिया, आपने उनको ये बोल दिया, तो अब तो मैं डरती हूँ कुछ बोलने से। आपने किनको बोल दिया? मैंने की थी इन्हीं पॉलिटिशियन पे बात की थी थोड़ी। और अभी आप डरती हैं कि आई लव यू बोल दिया, अभी भी नहीं डरती हैं? उनके लिए नहीं डरती, मैंने उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला। मैं जिनको पसंद करती हूँ मैंने उनको बोला। अच्छा। बट जो मुझे नहीं पसंद उनके खिलाफ मैं बोल के आई थी और उसके बाद मेरे साथ बड़ा गलत हुआ। ऐसे कौन से लीडर थे जिनको आपने कह दिया? बस मैंने कह दिया था। क्या नून लीग वालों के आपने खिलाफ बोला था, तो क्या उनके सपोर्टर्स ने ट्रोल किया आपको? बिल्कुल किया। तो खैर है, उसमें क्या खैर होती है, कुछ नहीं होता। ट्रोल तो वो किसी चीज में भी कर सकते हैं ना, तो कोई जरूरी नहीं कि सपोर्टर्स ही कर रहे हो, कोई भी बात हो सकती है। ट्रोलिंग से ना डरा करें, है ना। आप खुल के बोलें जो आपने बोलना है। नहीं बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अल्लाह करे कि इमरान खान आ जाए। अल्लाह करे मियां साहब आ जाए, इमरान खान साहब तो ऑलरेडी यहाँ पे हैं। वापस आ जाए ना, आप देखें ना क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वापस किधर आ जाए वो, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, मुझे ये बताएं ना आप लोग, क्या चल रहा है, मतलब किस तरफ जा रही है हमारी हुकूमत, हमें क्या दिया, क्या दिया इतने सालों में, क्या दिया? अच्छा, दिया तो हमें किसी भी हुक्मरान ने कुछ नहीं दिया, ऐसा ही है। लेकिन एटलीस्ट जो इतने सारे बुरे लोग हैं उनसे तो एक बेहतर है ना वो। मुनीर साहब, एक जनरल क्रिटिसिज्म होता है जब भी आप लोगों पर होता है, तो ये इस किस्म की ही एक स्टेटमेंट हमें मिलती है कि इट्स ऑलवेज द कंपैरिजन। अच्छा, डोंट टेक इट पर्सनल प्लीज। नो नो, पर्सनल नहीं, अब तो वो आदि हो चुके हैं। तो मुनीर भाई, ये बड़ा हमेशा एक इट्स ऑलवेज इसी किस्म के इर्द गिर्द कोई स्टेटमेंट मैं कह रहा था मिलती है, तो क्या जवाब देना चाहेंगे इसका? असल में इन्हें शायद अभी पॉलिटिक्स का तजर्बा नहीं है, इन्होंने ग्रास रूट लेवल पे चीजें देखी नहीं हुई है। मेरा एक ही सवाल है इमरान खान और पूरी पीटीआई से, उन्होंने गुज़िश्ता 4 साल में इस मुल्क को क्या दिया? हमारे प्रोजेक्ट बोलते हैं, हमारे कारनामे नजर आते हैं, आप मोटरवे देख लें, आप लाहौर की डेवलपमेंट देख लें। एक कारनामे बोल रहे हैं आपके आजकल बहुत, मिफ्ता इस्माइल साहब। वो उनकी पर्सनल ओपिनियन है। पर्सनल ओपिनियन तो वो फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे, वो एक्स मिनिस्टर है, वो एक्स मिनिस्टर जो थे हमारे, वो बोल रहे हैं आपके ये सही नहीं हो रहा, ये सही नहीं हो रहा, उनकी पर्सनल राय है। देखें, हर इंसान की अपनी राय होती है, वो अपनी राय दे रहे हैं, उनका हक है। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ ना, आप कह रहे थे प्रोजेक्ट्स, तो मेरे का एक प्रोजेक्ट ये भी था। मैं डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये वो प्रोजेक्ट डेवलप नहीं हो सका। अच्छा, बोल दे तो डार साहब नाल दे बंदन कह रहे हैं, मेरी भाई तो बोल रहे हैं। मगर देखिए, एक कुछ चीजें, कुछ फैक्ट्स होती है, मुझे लगता है उन्हीं भाई, एक तो ये कि जो इनके 4 साल को क्रिटिसिज्म होता है उसमें एक तो 2 साल कोविड के हैं, तो वो जो भी फाइट हुई कोविड के साथ, आई थिंक बड़ा एक लकीली कह लें या बड़ा कमेंडेबल रहा। अब जो भी उसकी वजूहत जो भी रही कि वो किस वजह से कमेंडेबल रहा, एक और बात है, जीडीपी फरवरी मार्च के अंदर एक बहुत बेहतर जगह पे था जहां पे इस वक्त है। तो इस ये दो फैक्ट्स तो एक इनके हैं। अब आप प्रोजेक्ट्स अगर मुझे जाएंगे कि मोटरवे गिनवाऊं या वो गिनवाऊं, वो एक सेपरेट डिबेट चल पड़ेगी। हम बहुत, मैंने मेरे को दो बड़ी मोटी मोटी बातें बताई कि अगर वो इनको नहीं याद होंगी, मैंने कहा मैं ही बता देता हूँ कि ये अब उससे आगे बताएं कि इस वक्त जो हालात हैं ये तो एक रिडिकुलसली एक जिसे कहते हैं खराब हालात हो चुके हैं फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली। जो आपने 2 साल की बात की कि कोविड की जो बात है वो छोड़ दें, उसके अलावा चले ठीक है वो निकल गए, इकॉनमी के जो फिगर्स ये प्रेजेंट कर रहे हैं वो सारे फेक हैं। आप इंटरनेशनल रेटिंग को देखें, नहीं तो और जब हम गवर्नमेंट, जब मियां साहब गवर्नमेंट छोड़ के गए थे, जीडीपी उस वक्त देखें और उसके बाद जब खान साहब गवर्नमेंट में आए उस वक्त देखें, और जो प्रोजेक्ट्स हैं अगर डेवलपमेंट ही नहीं हुई तो सारा काम रुगुनियत पे होता रहा है। नहीं, मगर काम कहीं ना कहीं तो होता रहा है। जो जीडीपी देखे, सिर्फ इनका नहीं नंबर दिया हुआ था, वो नंबर एक बाहर से भी एक्नॉलेज हुआ, यहाँ भी हमारी कमेटीज ने वो नंबर दिया, और आपको पता है मार्च के अंदर उस नंबर में बहुत बहस भी हुई थी। उसकी वजह यह थी कि आपने डॉलर की प्राइस जो है वो गिरा दी, और आपकी एक्सपोर्ट जो थी, वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की बात करते हैं बार बार, वो बढ़ गई। एक सिंपल सी बात है, लेकिन उससे रिसेशन कितना आया
उससे आपकी चीजों की जो प्राइस है, महंगाई जो बढ़ने की वजह है, वो सारी वही है। मगर वो तो अभी भी रिसेशन तो अभी भी एक स्काई रॉकेट कर चुका हुआ है, अनप्रेसिडेंटेड जो चार साल का गंद है वो छह माह में तो नहीं साफ हो सकता। ये भी एक बड़ा मसला है ना कि 2018 में खान साहब आए तो इन्होंने आके कहा कि जी ये नून लीग वाले सारे खजाने खाली कर गए। खान साहब को जो पाकिस्तान मिला है वो पाकिस्तान आज से पहले किसी गवर्नमेंट को नहीं मिला था। जब हमने 2013 में गवर्नमेंट ली है, आपको याद होगा कि 16 घंटे 18 घंटे की लोड शेडिंग, कुछ सोच भी नहीं सकता था कि 2 साल में 3 साल में पाकिस्तान लोड शेडिंग फ्री हो जाएगा। हमने करके दिखाई। खान साहब जब गवर्नमेंट में आए उस वक्त कौन सा ऐसा नेशनल क्राइसिस चल रहा था जो उन्होंने फेस किया? इतना क्राइसिस उस वक्त था, मुझे याद है पहली स्पीच से शुरू हुए थे खान साहब के, खजाने खाली करके चले गए, फिर डॉलर ऊपर जाना शुरू हुआ। खान साहब की स्पीच थी ना जो उन्होंने याद की हुई है जो 20 साल से दोहराई जा रहे हैं वहां पे ये बात। लेकिन ऐसा हकीकत में तो नहीं था ना। आप इस मुल्क के शहरी हैं, आप खुद ये सारे भी हैं। नहीं मैं अकेला क्यों मारा जाऊं, आप लोग ही बोले। बताएं बताएं, अभी तो सारे बड़े तालियां बजा रहे थे। कैसे थे हालात खान साहब के दौर में? बहुत अच्छे थे। इसी से दावा कर ले सिर्फ 2 लोग बोले हैं बहुत अच्छे। जिस तरह आप लोगों ने डिफाई किया इनको, मैं कहता हूँ कमाल इंटरप्रिटेशन थी। मगर मैडम ये बताएं खान साहब के साथ ऐसा हुआ क्यों? अच्छा मैं सच बताऊं तो सच ये है कि मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कोई इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। मैं सिर्फ इमरान खान को जानती हूँ। मैं इमरान खान साहब के पूछ रहा हूँ। सबसे बुरी बात पता है क्या है? वो ये कि आजकल जिसको देखो वो बोलता है इमरान खान ने क्या किया, आप ये बता दें। अरे अच्छा ठीक है उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने कुछ गलत भी तो नहीं किया ना। अच्छा ये अच्छी लॉजिक है कि खजाने की तबाही हो गई, हर चीज की तबाही हो गई और किया कुछ नहीं। अच्छा भी नहीं किया तो बुरा भी नहीं किया, इसलिए वो बहुत अच्छा है। उनकी टीम अच्छा। वैसे मुझे लगता है मोहतरमा कि आपका पॉलिटिक्स का बहुत तजर्बा है। मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है। जिस तरह वो डिफेंड कर रही है इस तरह लगता है कि उन्होंने कोई 20-25 साल पॉलिटिक्स में गुजारे हैं। लेकिन इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है और ये एवरीबॉडी नोज दैट। मुझे वाकई नहीं नॉलेज किसी पॉलिटिशियन को, मैं नहीं जानती गलत हो क्या रहा है। अच्छा अब मैं ठीक है, आप लोग चाह रहे हैं मैं ना बात करूं, ठीक है हम तो आपसे पूछ रहे हैं, मौका दे रहे हैं आपको, क्या बताएं कितना कितना गलत हो गया। अभी उनको गोलियां लगी उस पर कितने ज्यादा लोगों ने कितनी अजीब अजीब बातें की कि ये तो जानबूझ के करवाया गया। उन्होंने वीडियो डाली, कितने अफसोस की बात है कि उन्होंने वीडियो डाली कि ये देखें। आप बताएं कौन लोग है जैसा करते हैं? है ये कुछ लोग हैं। कौन लोग है कुछ आप खुल के बोले। आप ये बताएं आपने वोट कास्ट किया था खान साहब को? बिल्कुल पूरे घर से दिलवाया था। पूरे घर से दिलवाया था। पूरे घर से दिलवाया था। अच्छा वो बाकी सारे कन्विंस भी थे या आपने जबरदस्ती डलवा दिया? नहीं सब कन्विंस थे। और कराची में आई बिलीव आपका वोट होगा। हाँ और आपके वहाँ से कौन एमएनए आपको याद है कौन थे? या सिर्फ आपने कुछ नहीं, मैंने कहा मैं सिर्फ इमरान खान को जानती हूँ। अच्छा सिर्फ आप इमरान खान साहब को जानती, उस्मान बुज़दार साहब का नहीं बता? मजाक वाली बात मैं एक मजाक रात में आज बताती हूँ आप लोगों को, आपके पूछने से पहले ही सॉरी। मेरे साथ अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मैं आइसक्रीम लेने के लिए गई थी। मेरी बड़ी आदत है मैं फैमिली में ना सबको बिठाकर, आप लोग बैठे मैं बड़ी बन के ना मैं लेके आ रही हूँ। मैं आइसक्रीम लेने के लिए गई और एक आंटी पीछे से ना भागती हुई आई और मेरे पास आई, आकर कहती हैं यार मैंने तुम्हें देखा था, तुमने उसका घर बर्बाद कर दिया, कितना गंदा काम किया था बेटा तुमने। मतलब मैंने कहा आंटी कैरेक्टर था वो, इतना मुझे बुरा 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 बोला। उसके बाद बोलने के बाद ना मुझसे कहती हैं पिक्चर ले लूँ तुम्हारे साथ? मैंने कहा जी जी बिल्कुल ले ले। पिक्चर ली उन्होंने और फिर मुझे कहती है बेटा नाम बताना अपना। कहने को तो वो मेरा कहां मान कर गया, जाते हुए भी मेरा वो नुकसान कर गया। बिजली हो गैस हो के मईशत या सियासत, हर शोबे में ही पैदा वो बहदान कर गया। महंगाई खत्म करने का जिसने कहा पिया, आकर हमें वो और परेशान कर गया। हाय आ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी। जैसे आप पीटीआई की हैं माशाल्लाह इमरान खान से आप मोहब्बत करती हैं, तो अगर घर वालों ने कहा कि जी कोई नून लीग का रिश्ता आया तो शादी करनी है तो क्या कहेंगी? मुझे पता था ये आने वाला है, ये आने वाला है रिश्ता के रिश्ता तो आते जाते रहते, आते रहते वैसे ही जाते रहते हैं। मैं सबको भेजती नहीं हूं। नून लीग का आया कोई तो? नून लीग का आया तो नहीं, शादी तो अभी फिलहाल करनी नहीं है ना। नहीं नहीं मसला होता ना कि अगर जब भी जेन बना तब नून लीग का कोई रिश्ता आया? नहीं नहीं
पीटीआई नहीं पीटी। अच्छा अरसला, अगर नून लीग का आपको रिश्ता आए और वो कहे कि अगर आप हाँ कर देंगी तो वो पीटीआई ज्वाइन कर लेंगे, तो फिर आप हाँ कर देंगी? तब भी नहीं, मतलब मैं पीटीआई अच्छा जी, अभी जेन नहीं आपका, तो कब जेन है ये तो बता दें। हाँ आप, मुझे लगता है कि शादी करने के लिए इंसान का बच्चा भी होना चाहिए ना कोई। अब अगर कहेंगे हमारे पास हर किस्म का रिश्ता, आप टेंशन ना लें। आप नहीं, ये बड़ा एक मुझे लगता है कि कैसा होना चाहिए आपको लगता है वासी, के मतलब जैसा हम इमेजिन करते हैं सोचते हैं वैसा वाकई मिल जाता है? मेरे ख्याल से बहुत रेयर होता है, क्योंकि हम जो सोचते हैं ना उससे बहुत डिफरेंट होता है। तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंट हो, बिल्कुल वैसा भी नहीं मिलता, लेकिन एग्जैक्टली कुछ... और फिर सम टाइम लाइफ में ऐसा भी होता है ना कि आप सोच कुछ रहे होते हो कि लाइफ में ये करना है, ऐसा इंसान चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं कहूंगी लॉयल मिल जाए, केयरिंग हो, लविंग हो, तो ये सब झूठी बातें, क्योंकि आजकल बहुत मुश्किल है। तो बस इंसान का बच्चा मिल जाए इतना ही काफी है। अगर इमरान खान साहब कंटेनर पे गए अरसला किसी से शादी कर लो तो कर लेंगे? क्यों भाई, नहीं मिलिया, मैं फिर तीन चार दफा सोच लिया। देखेंगे तो सही ना कि ऐसे थोड़ी इंसान का बच्चा जी। अभी तो बहुत छोटी हूँ मैं, अभी तो शादी की मेरी उम्र ही नहीं है। अभी तो अभी आए हैं, फीडर गाड़ी में पड़ा है अभी तो। लेकिन इंसान का बच्चा कहना चाह रही थी, क्या पूछना चाह रही थी? मेरा सर से सवाल था। सर अभी रिसेंटली सर्वे कंडक्ट हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि एक अच्छी खासी परसेंटेज हमारे पाकिस्तानी यंगस्टर्स की अब्रॉड शिफ्ट होना चाहती है, और इसके रीज़न है पोर इकोनॉमिकल कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान। तो सर हमारी यूथ ही हमारा फ्यूचर है, तो सर इस सिचुएशन में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि हमारी यूथ को यहाँ पे पाकिस्तान में एक करियर सिक्योरिटी हो रादर देन गोइंग अब्रॉड? ये पूरी दुनिया का मसला है। मैं भी पिछले हफ्ते जर्मनी था, जर्मन गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया हुआ था। जर्मन मेंबर पार्लियामेंट से हमारी मुलाकात हुई तो वो थोड़ी देर बाद ये कहने लगा कि हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मेरे लिए ये एक बिल्कुल नई बात थी कि जर्मन एमपी ये कह रहा है कि उनका ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मैंने उससे पूछा ये तो थर्ड वर्ल्ड का मसला है। उसने कहा हमारे जितने प्रोफेशनल्स हैं जो आरएनडी में आगे जाना चाहते हैं, जो अपने कैरियर में मतलब कुछ आउट ऑफ द ब्लू करना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही स्टेशन है अमेरिका। इसी तरह जो थर्ड वर्ल्ड है इसका ये प्रॉब्लम है, लोग जाते हैं और उसका मैं ये देखता हूँ, मैं उसको पॉजिटिवली देखता हूँ कि वो जाके पीछे अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं, रेमिटेंस आती है। और कंट्री जो है वो जिस तरह फिलिपीन है उसकी एग्जाम्पल है कि वो लेबर जो हाउस हेल्प है उसको सप्लाई करके पूरी दुनिया से रेमिटेंस का वर्क करता है। मगर इसके अंदर एक ये भी तो थॉट प्रोसेस हो सकता है ना कि आप एक तरह से रेमिटेंसेस के सूरत में तो हेल्प कर लेंगे, बट एज फार एज योर ओन कंट्री इज कंसर्न, अगर वो ये तो खैर फिलीपींस वाली तो बिल्कुल एक और टेयर की बात करें, मगर अगर आपका एक कोई पीएचडी है, कोई आपके स्कॉलर्स है, बट एट द सेम टाइम आपका एक इंटेलेक्चुअली या जो आपके यहाँ पे अगर कोई टीचर पढ़ा सकता था वो तो आप मिस आउट कर गए ना, ऑल दो पैसे भिजवा रहा होगा घर। जहाँ पे इंसानों को बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है, अब जर्मनी यूरोप की नंबर वन इकॉनमी है, वहाँ का मेंबर पार्लियामेंट ये बात कर रहा है कि वो तो क्या? ये तो इंसानों को जहाँ बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है वो जाते हैं। जो लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल मतलब उनका कोई आईक्यू लेवल नहीं है या वो प्रोफेशनल्स नहीं है, ये तो अपना अपना चॉइसेस होती हैं। कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं वो, मगर एक टेंडेंसी जो हमने देखी है कि पिछले कुछ अरसे में यहाँ पे पाकिस्तान में बढ़ गई है। और बाय द वे ये सिर्फ सर्कुलेशन इस किस्म की हुई, आप उसकी बात कर रही हैं रिसर्च की, तो उसमें इस साल वालों के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज किया गया। अगर आप देखें तो पिछले चार साल के अंदर ही नंबर जा रहा था, और बीच में एक साल आई थिंक दो साल पहले था जो बहुत स्पाइक अप किया हुआ था नंबर। जी बिल्कुल, तो कोविड से पहले। हाँ, तो ये बड़ा स्पाइक अप नंबर था, कोविड के अंदर रुक गया हुआ था दो साल, फिर वो, और इस साल फिर वो ऊपर गया नंबर। इसकी वजह मुझे लगता है कि एक तो जनरली इट्स नॉट जस्ट पीएमएलएन और पीटीआई और पीपल्स पार्टी, इट्स द कलेक्टिव इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ पाकिस्तान जो कि तीनों पार्टियों के हिस्से में आ चुका हुआ है, वो टोटल कल्चर ही हमारे यहाँ पे एक बड़ा अजीब बन चुका हुआ है। और जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई मैंने फिर कंपैरिजन किया इंडिया के साथ, हमारा कंपैरिजन डेफिनेटली क्योंकि हमारे नेबर इंडिया है तो इंडिया के साथ ही बनता है। अगर आप उनकी रेशो देखें तो हमारे से भी ज्यादा हाई है उस पॉपुलेशन का एक जो, और हमारे तो जो ये बाहर लोग जा रहे हैं इसमें लेबर भी जा रही है, उनके जो लोग जा रहे हैं जब उनकी उस रेशो को निकाल के देखेंगे तो आप देखेंगे उनके जो प्रोफेशनल्स हैं डॉक्टर्स इंजीनियर्स और पीएचडी उसकी रेशो सबसे हाई थी। बिल्कुल, तो ये एक रियलिटी कई बार मतलब
थोड़ी ज्यादा एवेल्युएट करनी पड़ती है अपनी, जिसे कहते हैं पार्टी इन्फ्लुएंसर्स या पार्टी प्रेफरेंसेस से निकल के, कि ये मसला एक जनरली हमारा मसला है, इस मसले को एज वन पाकिस्तान एड्रेस करने की ज्यादा जरूरत है, चाहे वो कोई पार्टी भी हो या तीनों पार्टीज इकट्ठी ही हो या जो भी और पार्टीज हमारे यहाँ पे हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं मुनीब भाई से पूछना चाहता हूं, माशाल्लाह जितने आप प्यारे हैं, जैसे ठाकुर साहब ने बोला कि बड़े बड़े वक्त आपने देखे होंगे, कभी ऐसा वक्त हुआ है कि किसी ने आपसे कहा मुनीब अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं जहर खा के जी लूंगा? बिल्कुल नहीं हुआ ऐसा वक्त, नहीं कभी भी नहीं, कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी के जमाने में भी ऐसा मौका ही नहीं मैंने आने दिया। नकाब पहन के फिरते थे। वैसे आप तो ठीक है, मगर वो अरसला को आपकी बात पे यकीन नहीं आ रहा मुझे लग रहा है। क्यों अरसला आपको नहीं यकीन आ रहा? ये सवाल मुझसे बड़ा रिलेट कर रहा था इस बात पे, मैंने कहा यार ये सवाल का जवाब तो मैं दूंगी। बोला था कि मैं जहर खा के मर जाऊंगा, 2 साल हो गए जिंदा है मरा ही नहीं है। 2 साल की बात है ना, उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी और जहर 2 नंबर आ रहा था। हुआ था कोई इस तरह का जहर वहर वाला मामला? नहीं, वो एक अच्छा अब ऐसा भी होगा, मतलब कर दिया ना, ऐसा होगा मुझे समझ नहीं आ रही। आप हर बार जुमला बोलने से पहले कह देती है ऐसा भी होगा, आगे ये आ रहा है, मुझे लगता है मैं वो सड़क में गाड़ी चला रहा हूँ। नहीं कभी ना, ऐसा हुआ था ना, लेकिन क्या वजह थी, वो जहर क्यों खाना चाह रहा था या नहीं, मकान पे कब्जा कर ले थी उन्होंने, वो शादी का ही ना, क्या मुझे नाम क्या पता उसको अभी तक उम्मीद हो। यार तुम बीच में अभी दोनों घुस रहे, आप बताएं भाई हुआ था ना ऐसा, मैंने बताया ना कि वो बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि तुम ना मिली तो मैं जहर खा के मर जाऊँ। मैंने कहा तो खा लो मर जाओ, मैंने इतना वेट किया 5 महीने 1 साल 1.5 साल 2 साल हो गए, अभी तक जिंदा और खुश है, बिल्कुल खुश है। आपको दुख किस बात का है? नहीं, दुख किसी बात का नहीं है, मुझे बस इस बात का दुख है कि मेरी बहन ने सही बोला था, अरसला कोई किसी के बगैर नहीं मरता बेटा। दाद देने चाहिए कि 2 साल बाद भी इन्होंने चेक रखा हुआ है कि अभी तक वो खुश है। वैसे ही होता है, देखिए उनके साथ हुआ मामला, मगर मुनीब ने आपने कहा कि ऐसा कोई वाकया आपके साथ नहीं हुआ, बिल्कुल ना आपने मौका आने दिया। मैं सच बोलती हूँ, मेरा मसला ही है पता है। नहीं नहीं, आप खुल के सच बोले। नहीं बोल दिया, इतना ही था। अच्छा, नहीं कभी होता ही ना जिंदगी में मोहब्बत हो जाती, कभी ऐसा नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं, हुई उन्होंने साहब MPA हो गए जे, अगे MNA होना जे, सच बोलो। मेरे भाई है, मैं MPA पे ही खुश हूँ जी। अच्छा जी, मगर नहीं अच्छा, वो तुम्हारी तो खैर है, उनको फिर एक बार शौक लगा है कि अगर उनको नहीं हुई मोहब्बत तो इसमें क्या है? वैसे आपको लगता है कि मोहब्बत मतलब नहीं होती, मोहब्बत तो हो जाती है ना, मोहब्बत के बगैर तो आप इनकम्प्लीट हो। मोहब्बत तो बहुत जरूरी चीज है, अब वो आपको आपके पेरेंट्स से हो, आपको आपकी फैमिली से हो, मोहब्बत होती है ना वो आपको बंदा सारी रानी हैंड फ्री चुमदा रहता मेरी जान। वो वाली जिसमें आपका डेटा खत्म हो जाता है, जिसमें आप किसी के भी घर जाए तो वाईफाई का पासवर्ड पूछ रहे होते हैं। अच्छा, आप करती रही है ना? मोहब्बत बिल्कुल होती है, मुझे लगता है हर इंसान को होती है। मैं पूछ रहा हूँ, नहीं वाईफाई लगा हुआ है मेरे घर में, नहीं किसी और घर जाके भी नहीं, ऐसा नहीं हुआ, पहले जाके अच्छा चलता है वाईफाई, अच्छा अच्छा चलता है, मगर कभी हुआ डेटा खत्म हुआ आपका इस तरह? डेटा तो बहुत बार खत्म हो जाता है। अच्छा हाँ, मगर नहीं वो खैर हमें समझ आ गया कि उनका तो मामला बिल्कुल और है। मगर एक चीज से मुनीब, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट, जैकेट आपने बड़ी जबरदस्त पहनी हुई है। बहुत शुक्रिया जी। क्या क्या ख्याल आपका है ना, जबरदस्त नहीं, बहुत अच्छी है, कलर भी बहुत प्यारा है, कलर बहुत सुंदर है ना इनको, है ना, अच्छा लग रहा है। देखिए आपको और भी किसी ने आज कहा है या सिर्फ इन्होंने ही कहा है? आपने कहा है, किसी खातून ने भी कहा और या नहीं? नहीं मुझे नहीं कहा। कितनी देर होगी शादी हुई आपकी? मेरी शादी को 3 साल हो गए। आपको लग रहा था ऐसा ही होगा, कुछ ऐसा हुआ? हाँ नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। आपके कोई फेवरेट एक्टर्स हैं? सेंचुरी की थी ना पानी पी रहे जी जी। मैं पानी बहुत ज्यादा पीती हूँ, मेरी स्किन का राज भी यही है। अच्छा, के बाद मैं भी शुरू कर। मुझे अक्सर लोग मैसेजेस करते हैं इंस्टाग्राम पे कि आप क्या खाती हैं और आप क्या लगाती हैं, तो कुछ नहीं है भाई, पानी पिया करिए सबसे ज्यादा, डे में नाइट में सुबह उठ कर निहार मुंह। बिल्कुल है। कौन? मैं तो पहले अपनी फेवरेट हूँ, उसके अलावा फहद मुस्तफा मेरे फेवरेट। अच्छा, आप फहद मुस्तफा भी आपको पसंद है अपने अलावा? फहद मुस्तफा के साथ आपने काम किया है?
नहीं, उनके प्रोडक्शन में काम किया है. अच्छा. उनके साथ नहीं किया, उनके काफी सारे ड्रामे किए. मगर वैसे आपको कोई है ख्वाहिश काम करने की? बिल्कुल, क्यों नहीं. अच्छा, मैंने सुना है कि वो बड़े एक अजीब एरोगेंट किस्म के आदमी हैं, ज्यादा बात भी नहीं करते हैं, अपनी उसमें गुमशुम रहते हैं. आई डोंट नो, आई हैव हर्ड. आप कराची रहती है तो आपकी कभी इंटरेक्शन हुई उनसे? नहीं, मेरी कभी नहीं मुलाकात. अच्छा, फिर आप इस बात को जहन में रखिएगा, जब आप कभी मिलेंगी ना तो ये है ना, आप अपनी एक्साइटमेंट में जाके उनको कह दें कि मुझे आपसे काम. आपने जो बोला है वो मुझे पता था. जाहिर बात है, मैं ऐसा कुछ कैसे बोल सकती हूँ आपको पता ना हो आज. अच्छा, आपने सुना है फहद मुस्तफा के बारे में ये सब? हाँ, मैंने सुना है. क्या वाकई ऐसा है? अच्छा, उनसे क्या पूछ रहे हैं? वो सारे के यहाँ पे टीम नहीं, 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 वो तो बातें बहुत करते हैं. आपने फहद मुस्तफा के साथ काम किया हुआ, आपको कैसे लगे थे? भाई जान, मैं चुप हो जाना सी, वो बोलते रहते. अच्छा, नहीं, हो सकता है कि शायद आपके साथ वो आप बंदे हैं तो एक फ्रैंकनेस होगी, मगर मैंने सुना है कि खवातीन के साथ मेकअप करके भी की था, फिर भी बोलते रहे मेरे नाम. अच्छा, नहीं, वो शायद उनको हो के इस चेहरे के ऊपर मैं तरस खा के बोल ही लूं. मगर वैसे आप ये ज़हन में रखिएगा, अब मैं आपका बबल बर्स्ट नहीं करना चाह रहा था, मगर अब आपने इतना एक्साइटमेंट शो की तो इन केस यू एवर गेट. अच्छे लगते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छी एक्टिंग करते हैं. है ही अच्छे. अच्छी, सही है. वैसे मुझे तो इतनी इतनी लग रही है, ठीक ही है बस. नहीं, सच है, क्या है, बंदा बोल देता. हाँ, आप है. आपने कौन सा फहद मुस्तफा का काम देखा था? मूवी देखी थी. कौन सी? कायदे आज़म जिंदाबाद. बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त थी, मुझे अच्छी लगी. फिल्म अच्छी थी या उसका काम अच्छा था? नहीं, फिल्म अच्छी थी. अच्छा, काम अच्छा नहीं था ना? काम भी अच्छा था. अच्छा था. तो कोई देख के आपको दिल में आया कि मायरा खान की जगह मैं भी करती अगर इसके साथ? नहीं यार, मायरा खान नहीं, मगर वैसे अगर मौका होता तो फहद मुस्तफा के साथ चलें काम करने का चांस. बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर मिलता. और मेरे लिए तो बहुत यू नो ऑनर की बात. क्या फिल्म में काम करने का शौक है आपको या नहीं? इतना ज्यादा नहीं है. और ठीक है, मेरे ख्याल से अभी ड्रामे में ठीक है, इट्स फाइन. ड्रामे में अगर फहद मुस्तफा मैनेज हो जाए तो ठीक. हाँ, ठीक है. है ना, फिल्म में मैं शायद फिर वो आप बता रहे हैं वो थोड़ा. नहीं नहीं, वो ड्रामे में भी यही करेंगे. तो सब जो तुम्हारी शादी हुई बंदे पैसे लटा रहे, उन्होंने मना कर दे कि ना जाया ना करो कभी. अच्छा, पता है मुझे ना हंसने की बीमारी है, मेरी हंसी नहीं रुकती. चलो सॉरी, काजल निकल गया. आप खोल के रोए, खुशी की. इतना मजा आ रहा है आप लोगों के साथ, आप लोग सब बहुत अच्छे हैं. आई होप आप लोगों को भी बहुत मजा आया. बहुत, आज तक कभी किसी को इस तरह रोते हुए नहीं देखा हमारी कॉमेडी पे. हम जानते थे कि थोड़ी बुरी है, लेकिन इतना नहीं पता. मैं टीवी ते भी ते आ जाना. मैनु कहंदे ने पुत्र डिले आउंदा, डिले साडे कोल बर्दाश्त नहीं. पुत्र पहला जमहूरी दौर के दा सी, पीपल्स पार्टी दा. मैं कहा सर उते भुट्टो साहब नहीं सन? कहंदे ने पुत्र भुट्टो साहब ते मेरा डाउन ना सन. लंगर पानी कर. अच्छा, हाँ मैं भी जरा रेस्ट कर लवा. ठीक है. उस तो बाद फिर मैच शुरू हो गया, धड़ा धड़ मैच, दे मैच ते मैच बराबर हो गया. फिर मैं क्या सर जी ओ एक्स्ट्रा टाइम मिल गया. कहंदे ने दा मतलब है इमरान खान दा दौर शुरू हो गया. उस तो बाद फिर मैच के साथ मुक गया. उन्होंने कहा कि पलंटियां होनगियां. मैं क्या सर पलंटियां ते गल गई. कहंदा सोनिया हुण ते कुछ भी हो सकता. अच्छा, मैं क्या सर कौन जीतेगा? कहंदे ने जेड़ा प्रेशर बर्दाश्त करेगा.
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਮੈਂ ਚੱਲ ਵੇਖ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਦੀਪਿਕਾ ਕਾਡੋਪੌਨ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਦੀਪਿਕਾ ਕਾਡੋਪੌਨ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ लेकिन मेनू समझ नहीं आती कि लावांगा नाले उत्ते की लिखना हुंदा अपना कैप्शन वो मैं आपको बाद में बता दूंगा वो तुसीं मैनू कर देना ताकि ना मेरे अपना फ्लावर हुण वध रहे फल फ्लावर हो गए फॉलोअर्स ओ माशाल्लाह बरारो लख साहब नहीं नहीं याद लख साहब ते हो ही नहीं सकदे यस मुनीबो लख साहब यस ओ बेस्ट फ्रेंड अच्छा इनदे वाल साहब मेरे बड़े बेस्ट फ्रेंड सन इकराम साहब उकाड़े दे विच पहली बार एमपी है एडा फ्रेश एमपी तुसी जिंदगी कदी वेख्या ये तो है जान नहीं हो सकदी वाह जी वाह ऐसे लेगो इन दी हुकूमत आ रही है ना अच्छा किथे बताएंगे आई है ये सर ये चीज आ रही है अगो मियां साहब मेरे बेस्ट लीडर आ रहे हैं कौन जाएगा एयरपोर्ट पे लैंड कौन जाएगा यार हर गल मैं दसा आवाम का सलाम जाएगा समुंदर जाएगा इंशाल्लाह अच्छा बरसात च आ रहे ने ओ अरसला साहब बैठी ने मेरी जान दी हुकूमत तुझे देख लेना अगले टर्न में सीएम ही है ना अच्छा क्या बात है मोबाइल गिफ्ट लेना चाहना मेरे जैसा जीनियस आदमी आज तक कोई पुलिस नहीं आया सिर्फ मेनू पता इन्हें नहीं पता अच्छा जी वो इतने सही ना आदमी ने किवें भाजी घरों चले थाने बाहर निकले तो रक्षा खलोता ही धुंद पई सी 3 घंटे उन्होंने हाथ देंदे रहे भाजी इजाजत है बाहर डाला खलोते सर मैं पूरे प्रोटोकॉल ना तुहानू उकाड़े छड़ के आऊंगा और मैम तुसी खाने तो बगैर नहीं जाना क्यों प्लीज आज फिर तुसी ले आके मेहमान आएंगे वो वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी आवाम का सवाल अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम एहसन है और मेरा सवाल मिस से है क्योंकि इंस्पिरेशन क्या थी एक्ट्रेस बनने में उस टाइम पे तो मुझे सज्जल काफी अच्छी लगती थी उनकी हाँ उस टाइम पे मुझे अभी भी पसंद है लेकिन अब सबा कमर उनसे मैं बड़ा इम्प्रेस होती हूँ मतलब क्या कमाल कमाल एक्टिंग करती हैं वो वाओ तो वो बिल्कुल सज्जल थी जब मैंने स्टार्ट किया था आज से कोई 3 साल पहले तो उनका कोई ड्रामा मेरे ख्याल है महमूदाबाद की मलकाएं समथिंग करके था तो आंखों से ही एक्टिंग करती हैं सज्जल तो आप लोगों को पता ही होगा तो बस उनसे बड़ा मैं इंप्रेस होती हूं बाकी का फेस भी यूज कर रही होती हैं हां नहीं आंखें उनकी काफी अच्छी हैं प्यारी हैं तो वो बिल्कुल मैं सज्जल से इंप्रेस थी बट नाउ सबा कमर सज्जल थी और अब सबा कमर हो चुकी हुई हैं हां जी अगला सवाल अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम खदीजा है और मेरा क्वेश्चन मिस अरसला से है मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने ड्रामास में जो है काम किया इंतकाम में अंगना में तो क्या उन कैरेक्टर्स का उनके रियल लाइफ पे कोई इफेक्ट होता है या बस वो उसको ड्रामे की हद तक ही रखती हैं मैंने रिसेंटली शेयर भी की थी स्टोरी एक के मेरे साथ जो हुआ था अच्छा मैं बंदिश कर रही थी बंदिश सीरियल कर रही थी तो उसमें बंदिश का आप लोगों को पता ही होगा सारा कुछ हॉरर था और बंदिश का मतलब भी पता होगा आप लोगों को जादू और इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हम लोग सीन कर रहे थे और सीन के दौरान ही हमारे बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं मैं नाम नहीं लूँगी उनका उनको काफ़ी आदत है रियल करने की ना कि ये भी रियल करते हैं हम वो भी रियल करते हैं तो उन्होंने रियल रियल में सारा कुछ क्रिएट किया रूम में अगर बत्तियां जला दी कुछ उन्होंने यूट्यूब से निकाल के मंत्र जंतर चला दिया और सारी चीज़ें तो उस दौरान सीन करवाते हुए मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं कोई 15 से 20 दिन तक काम नहीं कर पाई थी और डॉक्टर्स मुझे बोल रहे थे कि आपको क्या हुआ है हमें नहीं पता आपने कोविड टेस्ट करवाया नहीं फिर उसके बाद जो है वो वाकई मेरी रियल लाइफ पे उसके काफ़ी इफेक्ट्स पड़े ओके अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम सैयद अदूस है मेरा क्वेश्चन सर से है सर आपकी पार्टी में कोई बीमार हो जाए तो उनका इलाज पाकिस्तान से होता है या फिर उनको भी लंदन जाना पड़ता है
जी मनी भाई इलाज पाकिस्तान में ही होता है लेकिन कुछ मर्ज ऐसे होते हैं जिनके लिए बाहर ट्रीटमेंट के लिए जाना मेन बंदे लंदन जाते हैं जी क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम रामीन तारिक है और मेरा सवाल अरसला मैम से है मैम चूंकि पाकिस्तानी ड्रामास की स्टोरीज और एंड्स एक जैसे होते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी लोग जो हैं वो दूसरी कंट्रीज के ड्रामास देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं तो आपका नहीं ख्याल कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए मुझे लगता है कि पहले वाकई ऐसा होता था हमारी स्टोरीज सबकी सेम होती थी लेकिन अब ऐसा नहीं है हम लोगों ने काफ़ी काम किया है इस पर और अब बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्टोरीज हैं और मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा है कि वही सारी स्टोरीज बार बार दोहराई जा रही हैं अब तो काफ़ी कुछ डिफरेंट दिखा रहे हैं तो मेरे ख्याल से अब तो काफ़ी हम लोग ग्रो कर गए अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम कायनात है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि अगर किसी भी लो एरिया का कोई भी सिटीज़न एमपीए से कोई भी शिकायत करता है तो पहले तो रिस्पांस आता नहीं है लेकिन अगर कोई शिकायत कर दे उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में कितना वक्त लगना चाहिए बेटा इस तरह है कि जो ट्रैक कोई जो हमारे तक आती हैं कोशिश करते हैं कि जल्द अज जल्द उन्हें सॉल्व करें इट डिपेंड्स कि वो किस किस्म की प्रॉब्लम है किस किस्म का वो मसला है हमारी ये कोशिश होती है जल्द अज जल्द उनको वो उनका मसला हल हो जी अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज़ रिदा और मेरा क्वेश्चन सर से है कि जब आप पाकिस्तान के हालात को देखते हैं तो आपके जेहन में क्या सोच आती है कि आप पाकिस्तान के हालात को किस तरह बेहतर करना चाहेंगे मेरा सबसे पहले जो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में जो चीज़ बेहतर होनी चाहिए वो हेल्थ का सिस्टम बेहतर होना चाहिए सेकंड मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन रिफॉर्म होनी चाहिए ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जी तो 2020 खेलते हैं आपके साथ मुनीब भाई ने पहले भी खेली हुई अरसला सवाल पूछूंगा ऑप्शंस दूंगा आपने उनमें से जवाब चूज करना है कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं मैं पहले मुनीब साहब से खेल लेता हूं ताकि यू विल हैव अ बेटर आइडिया कि किस तरह खेलते हैं ठीक है जी बिल्कुल जी मुनीब साहब किसी एक की बायोग्राफी आपने लाजमी पढ़नी है हु इज इट गोइंग टू बी जिसकी बायोग्राफी आप पढ़ना चाहेंगे ऑप्शन आपके पास जो है वो है मौलाना फजल रहमान और जनाब परवेज खटक मौलाना फजल रहमान मौलाना फजल रहमान की बायोग्राफी पढ़ना चाहेंगे सर ये बताइए चांद पर जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में बैठकर अपने साथ किसी को लेके जा सकते हैं एक सीट आपके पास अवेलेबल है लेकिन जिसको आप लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे ऑल्दो यू विल कम बैक किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप ऑप्शंस आपके पास हैं राणा सनाउल्लाह और आबिद शेर अली मेरा ख्याल है आबिद शेर अली साहब को वहां पे छोड़ूंगा आबिद शेर अली साहब वो लंदन गिरो तो नजदीक ही पेगा ये बताइए एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए तीन लोग मौजूद हैं एक के साथ सेल्फी है एक को स्माइल है और एक को आपने कहना है मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शाहिद खाकान अब्बासी साद रफीक साहब और ख्वाजा आसिफ साहब तो सेल्फी किसके साथ है साद रफीक साहब के साथ स्माइल किन को दे रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब को और फ्लोर किसका आ चुका हुआ है शाहिद खाकान अब्बासी साहब का शाहिद खाकान अब्बासी साहब का फ्लोर आ चुका हुआ है टाइटैनिक पर जा रहे हैं दो वीआईपी पास हैं एक अपना दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं तो किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मरियम औरंगजेब साहिबा और रुखमा मरियम टाइटैनिक तो जाना ही क्यों है जब उन्हें डूबी जाना है रहने दियो मेरा उससे पहले दो तीन दिन तो है ही ना मैं मेरा ख्याल है इनके साथ चले चलूंगा रुखमा मरियम होगी वो ठीक है गपशप होती रहेगी स्टेट मिनिस्टर जो है वो रह गई हैं दूसरी कश्ती में सवार हैं दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं एक अपनी है दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिना परवेज भट्ट और अरसला सदीकी वो आपकी तरफ देख रही है ये मेरा ख्याल है कि ये उसकी जगह आप जनरल नॉलेज ही कर लें इस किस्म के सवाल वैसे मैं कभी जनरल नॉलेज पर जाता न जाने आप क्यों चले गए हैं वैसे सर ये बताइए पाकिस्तान का कौमी परचम किन्होंने बनाया था मैंने नहीं बनाया था कोई और करे तो वापस चलेंगे सवाल पे हिना परवेज भट्ट और अरसला के दरमियान में है कॉम्पिटिशन इनको हिना परवेज भट्ट होंगी वो जिनको लाइफ जैकेट मिल गई है नहीं मैं डूबना पसंद करूंगी चले वो उन्होंने वैसे भी डूबा दिया आपको डुबा दिया जी अरसला देख लिया आपने जी जी गुड है गुड ठीक है फिर बताइए आपने भी एक बायोग्राफी लाजमी पढ़नी है किसकी बायोग्राफी पढ़ना चाहेंगी आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं हाँ। वो हैं जनाब बिलावल भुट्टो और जनाब हमजा शहबाज बिलावल भुट्टो को पढ़ूंगी मैं बिलावल भुट्टो की बायोग्राफी ठीक है ये बताइए चांद पे जा रही है किसी एक को साथ लेके जा सकती है जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी ऑल्दो यू विल कम बैक किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप ऑप्शंस आपके पास हैं मरियम नफीस और हाजरा यामीन मेरे ख्याल से मैं दोनों ही बहुत अच्छी हैं मैं ये मुश्किल है पता है ये थोड़ा सा मुश्किल है तो मैं अपना खुद जवाब दे दूं नहीं नहीं आप ख्याल से उन्होंने क्यों नहीं दिया अपना जवाब पर ये तो गलत बात है ये तो मुश्किल है जनरल नॉलेज इसलिए मैंने उनके साथ पहले खेला था अच्छा
मेरे ख्याल से मैं हाजरा को छोड़ हाजरा या अमीन होंगी वो। ठीक है, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, आपके फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शेख रशीद अहमद और मौलाना फजल रहमान। मेरे ख्याल से मैं शेख रशीद साहब होंगे वो। ठीक है, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं आप, तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को आप कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिरा मानी, जुबाब राणा और उर्वा हुसैन। तो किसके साथ सेल्फी लेंगी आप? सेल्फी होगी उर्वा के साथ। ठीक है, स्माइल किन को दे रही हैं? स्माइल दे दूंगी मैं जुबाब को। और फ्लोर किसका आ गया? मेरे ख्याल से हिरा का आ गया। हिरा मानी का फ्लोर आ चुका हुआ है। ठीक है, ये बताइए आप भी टाइटैनिक पे जा रही हैं, अब दो वीआईपी पास आपके पास हैं, एक अपना है दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हुमायूं सईद और जनाब अदनान सदीकी। हुमायूं सईद को लीजिए। अच्छा, ये आपने मुंह क्यों कवर कर दिया जवाब देकर? नहीं, मतलब मैं उनसे इतनी बार मिली हूँ और मैं हमेशा उनसे कि सर मैं आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपकी एक्टिंग की, बट एक्साइटमेंट हमेशा रहती है उनके लिए ना। अच्छा, तो प्यारे। ये बताइए डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफा, फवाद खान, मुनीबुल हक साहब और इफ्तिखार ठाकुर। इनको दूंगी। आपने किन को दी है लाइफ जैकेट? आपने किसका नाम लिया? फहद मुस्तफा, फवाद खान, मुनीबुल हक और इफ्तिखार ठाकुर। हाँ, तो मैंने इफ्तिखार ठाकुर को, इफ्तिखार ठाकुर को दी है। कौन से वाले इनमें से इफ्तिखार ठाकुर? ये मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी प्लीज। तुसी ग्रेट हो जी। इफ्तिखार ठाकुर ग्रेट हो। आप ग्रेट हैं। सर इस तरह ही ना जिंदगी हो गई है, मगर आप मुबारक हो, आपको इतने टफ कंपटीशन में लाइफ जैकेट तो मिली ना कम से कम। थैंक यू चौधरी मुनीब साहब, आपका शुक्रिया। बिल्कुल ये बनता था, मगर मुनीब साहब थैंक यू सो मच, आपका अरसला बहुत बहुत शुक्रिया, एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।